लगभग एक वर्ष पूरे होने जा रहा है और एक वर्ष पूरे होने में अभी तक एक भी पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन सही से नहीं मिल पाया है। एक भी प्रतिनिधियों का वेतन जारी कर दिया, जिसमें यानी कि कहा गया है कि मुखिया जी को, मुखिया जी खाता के मतलब जो आपके पर्सनल नाम से खाता होना चाहिए, ठीक है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज जो है ना बिहार सरकार ने है ना, यानी कि बिहार सरकार के जो नए मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के, जो मुरारी प्रसाद गौतम जी है, यानी कि उनके सचिवालय के तरफ से यानी कि सख्त निर्देश आ गया है कि पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन जारी कर दिया जाए। आपको ज्ञात होना चाहिए, आपको पता होगा कि आज से 5 दिन पहले हमने वीडियो एक बनाए थे, यानी कि यह वीडियो में हम पूरे यानी कि वास्तविक तरीके से और पूरे एकदम उगाही करने का काम किए थे कि जो है ना बिहार सरकार के द्वारा जो पंचायत प्रतिनिधि जो इसका चुनाव जो कराया गया था, तो इस चुनाव का लगभग एक वर्ष पूरे होने जा रहा है और एक वर्ष पूरे होने में अभी तक एक भी पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन सही से नहीं मिल पाया है, एक भी महीने का भी। यानी कि उसी बात को हमने बोले थे कि अगर अब पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन अगर नहीं मिलता है तो जान लीजिए वे लोग क्या करेंगे, अब आप लोग धरना प्रदर्शन करने का काम शुरू कर दीजिए, यानी कि अगर वेतन नहीं मिलता है तो। इसी बात को देखते हुए जब हमने आज से 4 दिन पहले ये वीडियो को जब बनाए थे, लेकिन आज के पेपर में पूरे पेपर में पारदर्शिता कर दिया हुआ है, पेपर का कटिंग भी है हमारे पास, पेपर का कटिंग भी हम आपको डिस्प्ले पर प्रदर्शित करने का काम करेंगे, उसमें दिया हुआ है कि बिहार के लगभग सभी प्रतिनिधियों का यानी कि वेतन जो है ना अब जारी कर दिया जाएगा और A to Z वेतन जारी करने का सभी ब्लॉक के जो है ना यानी कि BDO साहब को सख्त निर्देश आ गया है कि A to Z प्रतिनिधियों का वेतन जारी कर दिए, जिसमें यानी कि कहा गया है कि मुखिया जी को अपने यानी कि उनके वेतन का 2500 रुपया प्रति माह जोड़ करके यानी कि भेज दिया जाए। उसके बाद हम बात करेंगे कि सरपंच जी को, तो सरपंच जी के बारे में भी यह भी कहा गया है कि सरपंच जी को भी 2500 रुपया की प्रति माह यानी कि भेज देना है। उसके बाद उपपंच की बात करें तो उपपंच को 1200 रुपया, उप मुखिया की बात करें तो उप मुखिया को जो नियम के अनुसार उसको भी यानी कि 1200 रुपया। और उसके बाद हम बात करें किनको, तो यानी कि पंच की बात करें तो पंच को जो है ना यानी कि 500 रुपया प्रति माह के दर से, और उसके बाद वार्ड सदस्य को है ना, तो वार्ड सदस्य को भी जो है ना यानी कि 500 रुपया प्रति माह की दर से यानी कि भेजने का प्रावधान आ चुका है बिहार सरकार के नए मंत्री जो है ना मुरारी प्रसाद गौतम जी, उनके तरफ से यह सख्त निर्देश आ गया है कि इन सभी लोगों का जो भी भुगतान की प्रक्रिया है, जितना भी रुपए इन लोगों का जो बनता है पूरे जोड़ करके, या पूरे रुपए जो है ना यानी कि पैसे यानी कि सब लोगों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। जान लीजिए जिन प्रखंडों में अगर अभी तक यह इस बातों के लिए आपसे आदेश नहीं आया है, जान लीजिए यह सब पैसा कैसे मिलेगा, तो यह सब पैसा आपके जो है ना यानी कि आपके नाम से व्यक्तिगत खाते में जाएगा, या कोई सरकारी खाते में नहीं जाएगा, चाहे किसी भी व्यक्ति के द्वारा। पहले BDO साहब से चेक मिलता था, इन सब लोगों को जो है ना यानी BDO साहब से पहले चेक मिलता था, जो भी पैसा मिलता था या कैश मिल जाता था, लेकिन अब जो है ना आपको व्यक्तिगत खाता देना है। व्यक्तिगत खाता के मतलब जो आपके पर्सनल नाम से खाता होना चाहिए, ठीक है, पर्सनल नाम से। ऐसा नहीं है कि जैसे वार्ड सदस्य हैं तो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में पैसा नहीं आएगा, आपको अपना व्यक्तिगत खाता देना पड़ेगा अगर अदर किसी बैंक यानी उसी बैंक का, लेकिन अपना पर्सनल नाम से आपके खाता होना चाहिए, उस खाते पे आपको पैसा डाल दिए जाएंगे। और जान लीजिए जहां भी सब चीज का नोटिस अगर अभी तक भी नहीं दिया गया है ना, तो वहां के लोग जो है ना BDO साहब से बात करें, अगर जो BDO साहब पैसे यानी कि भेजने में आनाकानी करेंगे तो आप लोग जो है ना उनको सबसे पहले कहिए कि अगर पैसा नहीं आता है 10 से 15 दिन या 1 महीने, चाहे कोई निश्चित समय आपके द्वारा दिया जाए, निश्चित समय आपके द्वारा दिया जाए, उस निश्चित समय के अंदर हमको पैसा चाहिए। अगर नहीं दिया जाता है तो आप लोगों को यह क्या करना चाहिए, अब जो है ना यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से उनके सामने में जो है ना अपने हक और अपने लड़ाई के लिए प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि बैठ कर रहने से कुछ नहीं होने वाला है। जान लीजिए जहां के वार्ड सदस्य, चाहे जहां के उप मुखिया जो है ना, जैसे नल जल का ही बारी आया, तो आप लोग तो जानते हैं अनुरक्षण नीति के तहत तो जो अनुरक्षक बनेंगे वो वार्ड सदस्य बनेंगे, 100% वार्ड सदस्य बनेंगे। अब जान लीजिए ये अनुरक्षक बनेंगे और इनका जो है ना वेतन जो है ना 2000 रुपया सरकार की तरफ से, 2000 रुपया जो है ना यानी कि अनुरक्षण नीति के तहत 2000 रुपया प्रति माह जो है ना इनको वेतन मिलना है। क्या चीज के लिए, तो नल जल को ठीक से चलाने के लिए, शाम सुबह जो समय टू समय पानी देते हैं उनके लिए, तो यह 2000 रुपया। और उसके बाद 2000 रुपया के प्रति माह
पैसा जो है ना, यानी कि क्या चीज के लिए इनको मिलना वाला है, तो मान लेते हैं किसी प्रकार के खराबी उराबी सब चीजों से लेकर के, और यह दोनों मिला करके 4000 रुपया हुआ। तो यह 4000 के रुपया, यह 4000 का महीना उसी ब्लॉक में उसी प्रखंड में भेजा गया है जहां के वार्ड सदस्यों ने वह बीडीओ साहब को जाकर के प्रतिवेदन दिए हैं कि यह पैसा हमें शीघ्र चाहिए, हमारे यहाँ के जनता को पानी नहीं मिल पाता है क्योंकि कुछ थोड़ा मोड़ा रिपेयरिंग बच गया हुआ है, अगर पैसा भेज देते हैं तो हम उस रिपेयरिंग को 100% सफलतापूर्वक तुरंत कंप्लीट कर देंगे, अगर पैसा नहीं आएगा तो यह रिपेयरिंग नहीं होगा तो जनता फिर उग्र भावना में आ जाएंगे। तो जान लीजिए यह प्रखंड में दिक्कत हो जाएगा क्योंकि हम जनता को डायरेक्ट लेकर के कहां चले आएंगे, प्रखंड में चले आएंगे जनता को, और हम पूरे वार्ड सदस्य मिलकर के, पूरे पंचायत के वार्ड सदस्य मिलकर के हम जनता को लेकर के चले आएंगे। तो जान लीजिए वहां के जो है ना, यानी कि ब्लॉक में यह रुपये को जो है ना, यानी कि भेज दिया गया है और वहां के वार्ड सदस्य को यह 48000 रुपया एक साल का, और उसके बाद जो है ना यह 500 रुपया प्रति माह एक साल का, यानी कि जोड़ करके यानी कि 12×5=60, यानी कि 6000 तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते पे, और यह 6000 जो आएगा ना यह पर्सनल खाते पे आएगा, ठीक है, या व्यक्तिगत खाते पे आएगा। तो जान लीजिए जिन लोगों को इस सब चीज मिलने में परेशानी या कठिनाई हो ना, तो वे लोग उस चीजों का प्रतिवेदन आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हमें भेज सकते हैं उस प्रतिवेदन, ताकि उस पे हम देख के आपका जो उचित समाधान हो, उचित समस्या का समाधान हो, और लगभग हर लोगों को हम प्रोवाइड कराने का सोचते रहते हैं क्योंकि आए दिन हमारा किसी न किसी समस्या पे वीडियो रहता है और वह वीडियो आप लोगों के रिलेटेड ही रहता है। इसीलिए आपको जो है ना, या जान लीजिए बहुत सारा मैसेज आता है, कुछ लोगों का छूट भी जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं 100% रिप्लाई देने का, ठीक है। आप जान लीजिए आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आपको देते रहते हैं। धन्यवाद।